गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग तो बिल्कुल ही लिमिटेड होने वाला है। एक ही क्लिप का व्लॉग होगा या ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लिप का। आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं करा, मैं इंस्टीट्यूट पे ही था क्योंकि मम्मी की तबीयत आज ख़राब थी, इसलिए मेरे को छुट्टी करनी पड़ी आज स्कूल से। और इंस्टीट्यूट पे पापा थे और मैं था, तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ गई थी। तो मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए पापा ने संभाला, मैंने संभाला, फिर मम्मी भी आई गई थी। तो अभी मैंने कुछ फिर इसलिए पूरा दिन करा नहीं। आज किसी की एनिवर्सरी थी, तो अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो हैप्पी एनिवर्सरी। और उनके लिए हम क्या नाम है, सरप्राइज प्लान करा था हमने, केक और मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो पैकिंग होती है वो भेजने का, तो हम वो लेके गए थे उनके लिए। हमने लेके गए थे मतलब हमने खरीद के भेज दिया था। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि उनको अच्छा लगा होगा। तो वो मतलब पापा के बिजनेस के से दोस्त के एनिवर्सरी थी, तो मतलब हम क्लोज है बहुत और हम ट्रिप्स वगैरह भी बनाते रहते हैं एक साथ। तो चलो उसको छोड़ो अब। आज का व्लॉग इसलिए कुछ नहीं हुआ, बस बात वही गया था मैं और मैंने कुछ करा ही नहीं पूरा दिन, तो मैं क्या ही बनाऊंगा। हाँ, मैं आपको चलो फिर एक चीज़ दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करने के लिए व्लॉग। मैं कल स्कूल में मेरी कुकिंग एक्टिविटी है और कुकिंग में मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे एज के जो मैं अपने और दोस्त देखता हूँ तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुकिंग में अच्छा हूँ। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को कल ट्राई कलर सैंडविच बनाना है, तो मैंने उसके लिए क्या क्या सामान लिया है, ठीक है वो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, यहाँ रख दूँगा मैं सामान। देखो, दो ट्राई कलर सैंडविच बनाऊंगा। दो स्लाइस तो मैं चीज लाया हूँ, चीज नॉट चीज इज कॉल्ड चीज, ठीक है। अब ये मैं सैंडविच में लगा दूंगा, ठीक है। दोनों सैंडविच के लिए दो लाया हूँ मैं, मतलब एक सैंडविच का एक और एक सैंडविच में एक ऐसे, ठीक है। अब ये दो मैं लाया हूँ ऐसी वाली मेयोनीज, सिंपल मतलब, ठीक है। मैं अलग ही लाया हूँ, ऐसे घर पे से भी ला सकता था मैं, पर मैं जानबूझ के नहीं लाया क्योंकि फिर मेरे को स्कूल में कैरी करने में दिक्कत होती, तो मैं इसलिए पैकेट ले आया छोटा वाला। तो दो मेयोनीज, एक मेडल जाएगी, एक मेडल जाएगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैं दो क्यों बना रहा हूँ, मैं एक भी तो बना सकता हूँ, या फिर स्कूल वालों ने बोला होगा। कुछ लोग ये भी सोच लेंगे, नहीं स्कूल वालों ने तो बोला है कि आपको जितने एक या दो या तीन जितने बनाने हो बना सकते हो, पर मेरे को थोड़ा थोड़ा अलग अलग करना है मामला। तो देखो, ये चीज़ देखो, ये और ये तीन चीज़ें तो हो गई सेम, ठीक है। अब ये दो चीज़ें सेम हो गई दोनों में, ये दो सेम हो गई, ये वाले भी सेम हो गई, चीज़ भी सेम हो गई, मेयोनीज भी सेम हो गई और मिंट मेयोनीज भी सेम हो गई, कॉरी ग्राइंडर मिंट मेयोनीज, ठीक है, ये दोनों भी सेम हो गई। अब मेन जो है अलग, जो मैं जो सोच के लाया हूँ वो है ये। एक में तो हम लगा सकते हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम इसको मेयोनीज मिला दें इसके अंदर तो ये ऑरेंज हो जाएगी, तो अच्छी लगेगी वो बहुत, तो हम ये भी कर सकते हैं यूज़। तो इसलिए मैं ये ले आया, एक में मैं ये डाल दूँगा और एक में मैं ये डाल दूँगा, ठीक है। ये तंदूरी मेयोनीज है तो ये भी अच्छी लगेगी सैंडविच के साथ। अब मैं ज़्यादा कुछ मतलब उस टाइप से नहीं डालूँगा, वेजिटेबल्स टाइप, क्योंकि फिर ना मेरे को स्कूल में कैरी करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए मैंने यही सामान लिया है। अब क्या नाम है, मेयोनीज वगैरह, चीज़ वगैरह। और अगर ज़्यादा लगा तो मैं थोड़ी सी कोई भी चीज़, जैसे एक तो हम ले सकते हैं शिमला मिर्च ले सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। गाजर वगैरह तो मैं खाता नहीं, कैरेट वगैरह खाता नहीं मतलब, और
वाइट में कुछ नहीं, मतलब यही है, ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा मैं। देखो सब्जी में, वेजिटेबल्स में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा, मैं अपना सॉसेस से ही काम चलाऊँगा, क्योंकि इतना एक तो ज़्यादा दिक्कत आएगी मेरे को वहाँ पे स्कूल में, ऊपर से क्या नाम है, कैरी करने में भी दिक्कत आएगी, और वहाँ पे जब मैं सैंडविच को हाफ करूँगा तो उसमें भी वो अड़ सकती है सब्जी जो है नाम है, फिर वो सारी निकल जाएगी साइडों से, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ थोड़ी सी मैं डेकोरेशन के लिए ले सकता हूँ कि साइडों में लगा दी या ऊपर करके, तो देखते हैं। चलो अभी डिस्कस करता हूँ, मैं मम्मी से डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। तो आज का व्लॉग तो देखो इससे ज़्यादा बड़ा मैं बना नहीं सकता, क्योंकि मैंने ही स्क्रीन टाइम लिया है, और सॉरी आज मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया। और हाँ आगे भी क्या पता व्लॉग्स हमारे बंद हो जाए 2-3 दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है मेरी, 9 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, तो करना है, पढ़ाई करते हैं। तो क्या पता यही व्लॉग डाला करूँ मैं अपना, बस इसके लिए तो मैं बोल दूंगा कि इतना तो मैं डालने होऊंगा ही, बस अपना हाय हेलो बोल के आपको, और क्या नाम है, एक दो चीज़ें बोल के 10 मिनट तक अपना सारा बना के ख़त्म करूँ। ठीक है चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।